नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। संदिग्ध कबूतर मिला पंख पर उर्दू में शब्द, वे छल्ले पर लिखे हैं नंबर। आशंका पाक से आया एजेंसियां अलर्ट, पदमपुर का है मामला। वन विभाग रायसिंहगढ़ को सौंपा गया है कबूतर, जांच शुरू हुई। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 8 NN के गांव 86 GG की ढाणी में पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर बरामद किया है। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कबूतर को कब्जे में ले लिया। कबूतर के पैरों में छल्ले पर नंबर तथा उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। उर्दू का ज्ञान नहीं होने से ग्रामीण इसे पढ़ नहीं पाए। उर्दू में लिखे शब्दों के कारण इसके पाकिस्तान से आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो रंग बिरंगी कबूतर को देख हैरान रह गई। ढाणी के मालिक बिंदर सिंह व भजन सिंह ने इसकी सूचना सोमवार शाम पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। थाना अधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि इस बारे में IB और वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस को अब तक इस बारे में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है कि कबूतर कहां से आया हो सकता है। देर शाम CID उपनिरीक्षक जगदीश गोदारा ने कबूतर का निरीक्षण किया। पुलिस ने रिंग अंकित नंबरों को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस नंबर का मतलब क्या है। फिलहाल कबूतर से कुछ और संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके चलते अब कबूतर को वन विभाग रायसिंहगढ़ के सुपर्द कर दिया गया है। कबूतर को लेकर इंटेलिजेंस को सूचना दी गई है, जिनके द्वारा जांच करने के बाद ही सत्यता की जानकारी सामने आएगी। कबूतर में उस पर लगे रिंग को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। थाना अधिकारी रामकृष्ण मीणा।